दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 90 दिनों में पैसे डबल करके देने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। दरअसल आरोपी राजेश चंद्राकर लोगों से RRB ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दुर्ग के आदर्श नगर में एक फर्म चलाता था। लोगों से लाखों रुपए लेकर अपने SBI कोटक महिंद्रा AU स्मॉल फाइनेंस के खाते में जमा करता और सिक्योरिटी के रूप में उन बैंकों का चेक देकर विश्वास में लेता था। आरोपी राजेश लोगों को 90 दिनों में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसे डबल करने का लालच देकर लाखों रुपए लेता रहा। उसके बाद इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड फॉरेक्स नाम के इंटरनेशनल शेयर एक्सचेंज में लगा देता था, लेकिन कुछ समय से अपनी अय्याशी के चलते राजेश ने लाखों रुपए बर्बाद कर डाले और फिर जब लोगों को पैसे लौटाने की बारी आई तब गुमराह करने लगा। भिलाई के मैत्रीकुंज निवासी सरिता बंसोड से भी आरोपी ने 7 लाख रुपए लिए थे। इस तरह कुल दुर्ग जिले से ही 70 लाख रुपए एवं छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर में कार्यालय शुरू कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए आरोपी ने लिए थे। लेकिन अब पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को पद्मनाभपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप हैं, आपके मित्र ने कहा, आपने अपने मित्र से कहा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो पैसे का डबल करके देता है और कुछ लोगों को चूंकि इन्होंने दिया भी था तो उससे ऑलरेडी लगा कि लोगों को लगा कि हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे, इस चक्कर में आ गए इनके यहाँ से। जी हाँ, दुर्ग से लगभग 60 से 70 लाख है, बाकी बिलासपुर से भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, तो उसकी जानकारी बाद में आएगी। चिटफंड अधिनियम में नहीं आता, बेसिकली ये चिटफंड से अलग कॉन्सेप्ट है। ये है कि लोगों ने इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्होंने कुछ पैसों को इन्वेस्ट तो किया, फॉरेक्स में किया, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है जो कि इंडिया में लीगल नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कुछ पैसों को एज अ सब ब्रोकर भी इन्वेस्ट किया, एंजल वन जो प्लेटफॉर्म है उसमें, बट ज़्यादातर पैसों को इन्होंने मतलब बाकी चीज़ें अपने खुद के उपयोग के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं, 3 महंगी गाड़ियाँ, उनमें से एक MG हेक्टर थार और किया की गाड़ी, उन चीज़ों का उपयोग किया जो कि बेसिकली धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। लोगों ने इनको ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़।